सो हेलो एफजी फैमिली यार, कैसे हो सारे? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, वीडियो के अंत तक देखना। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट को करने के लिए आपको आ जाना है किसी भी जी प्लान के पास, और यहाँ आने के बाद आपको डाटा को ऑफ करके ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद आपको ग्लोबल हाथ में लेना है और फायर बटन और यूज बटन को कंटिन्यूस टैप टैप करते रहना है कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आपका नेटवर्क वापस आएगा तो यार आप लोग जी प्लान के ऊपर कुछ इस तरीके से चलने वाला है, जो कि यार कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है भाई। हाथ से पकड़ा हुआ है ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा फनी दिख रहा है, अमेजिंग दिख रहा है। अपने फ्रेंड लोग को दिखा सकते हो यार, सरप्राइज कर सकते हो, बहुत ही इजी सी नॉर्मल से ट्रिक है। ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको रिवर माउथ के पीछे के साइड यहाँ पे इस पानी टंकी के पास आ जाना है एक एम्फीबियन कार लेके। तो उसके बाद आपको डाटा को ऑफ कर देना है और भाई सामने की तरफ आपको गाड़ी को चलाना है। कम से कम भाई 35 से 40 सेकंड तक गाड़ी को चलाना है। और आप लोग को मैं बोल रहा हूँ भाई यही गाड़ी लेके आने, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा आगे आप लोग दूसरी गाड़ी के साथ भी कर सकते हो। और कुछ इतना 35-40 सेकंड गाड़ी को चलाने के बाद आपको डाटा को वापस से ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको गाड़ी को फुल स्पीड में चलाना है बिना किसी चीज़ से टकराए हुए। तो इतना करने के बाद आपका पिंग जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, आप लोग कुछ इस तरीके से भाई पानी के अंदर आ जाओगे, जो कि यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। और अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेके आते हैं तो आप लोग अंदर में भी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन आप लोग दूसरी गाड़ी नहीं चला सकते। तो यार देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग व्यू मिल रहा है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग ट्रिक है यार। अपने फ्रेंड को भाई साथ में ला सकते हो, और भाई अंदर में आप लोग एलिमिनेट नहीं होगे तो आप लोग भाई कैंप वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पे इस साइड में आपको नदी में आना है, और इस साइड में आने के बाद आप लोग यहाँ से बहुत इजीली बाहर भी निकल सकते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए आपको क्लैश स्क्वाड में आ जाना है, स्नाइपर खरीद लेना है और फायर बटन को होल्ड करना है तो आपका स्कोप ओपन हो जाएगा, और ऊपर आपको स्टीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे से क्लोज कर देना है। इसके बाद आप लोग भाई फायर बटन को होल्ड करे रखना तो आप लोग का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से भाई चलने वाला है, जैसा कि लग रहा है इसने इसको खोल रखा है। तो यार बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से ये चल रहा है, और अपने फ्रेंड लोग को दिखा सकते हो, बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। तो यार इस ट्रिक को करने के लिए आपको इस वाले घर में आ जाना है, इस तरह के घर बहुत जगह होते हैं मैप में। और फिर यहाँ आने के बाद आपको किसी भी खिड़की के पास आना है और कुछ लूट ड्रॉप कर देना है, और इतना करने के बाद आपको खिड़की के ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ पे आपको एक या दो लैंडमाइन लगा देना है। दो लैंडमाइन लगाओगे तो आप लोग भाई किल ले सकते हो फ्री में, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लैंडमाइन पूरी तरीके से हाइड हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार, आप लोग अच्छे से देख लो। और भाई जैसे ही कोई भी एनिमी यहाँ पे लूट लेने आएगा तो भाई यहाँ पे वो डैमेज करके इजली किल हो जाने वाला है, अगर आपने दो लैंडमाइन लगाया है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आपको किसी भी एलसेफ हाउस में आ जाना है, और यहाँ पे आपको इस सीढ़ी के पास आने के बाद प्रोन करना है, और उसके बाद आपको जॉयस्टिक को आगे पीछे मूव करना है। तो एक टाइम पे आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से जमीन के अंदर चले जाओगे भाई, आधा शरीर आपका ऊपर आधा अंदर रहेगा, बहुत ज़्यादा फनी दिखता है। और यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपने बैग से सारा लूट ड्रॉप कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे अपने बैग से सारा लूट ड्रॉप कर देता हूँ, और भाई इसके बाद आप लोग देखोगे कि आपका लूट भाई कुछ इस तरीके से हवा में फ्लोट कर रहा है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। अपने फ्रेंड लोग को दिखा सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा फनी भी लगता है, आप लोग का भाई आधा शरीर नीचे जब रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 6 को करने के लिए आपको मैकलेरन कार लेके इस गोडाउन में आ जाना है, इस तरह के घर भाई बहुत जगह रहते हैं। और यहाँ इस डब्बे के पास आने के बाद कुछ इस तरीके से गाड़ी को सेट करना है, और इसके बाद आपको इंटर करके गेट आउट करना है। तो आप लोग भाई इस डब्बे के अंदर आ जाओगे, और अंदर बैठ के आप लोग बहुत ही इजीली कैंप कर सकते हो, रैंक पुश कर सकते हो, लेकिन आप लोग अंदर से एनिमी को किल मत करना, आप लोग एलिमिनेट भी हो सकते हो। तो भाई आराम से रैंक पुश कर सकते हो आप लोग, बहुत ही ईजी ट्रिक है, और जॉयस्टिक को मूव करके आप लोग यहाँ से बाहर भी आ जाओगे। तो ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और आपको स्कोप ओपन करना है और लेफ्ट हैंड बटन और जल्दी से आपको स्कोप को बंद कर लेना है। इस बीच आपकी गोली फायर नहीं होनी चाहिए, तो आपको समझ जाना आपके वर्क कर चुकी है ट्रिक। तो भाई इसके बाद आप लोग फायर भी नहीं कर पाओगे, और जैसे ही आप लोग किसी भी चीज़ पे एम करोगे ना तो आपका एम भाई एकदम मस्त तरीके से चिपक जाएगा, आप लोग कितना भी चाह के भी हटा नहीं सकते एम को, आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा अमेजिंग व्यू मिल रहा है। और भाई अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो भाई देखो वो किस तरीके से घूम रहा है, और मेरा स्क्रीन भी अपने आप ही रोटेट कर रहा है क्योंकि भाई एम उसे चिपक चुका है। मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा स्क्रीन भाई उसी के कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ देखो मैं एडम के पास आके घूम रहा हूँ, तो भाई कितना फनी तरीके से भाई गोल गोल घूम रहा है। सो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। तो ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको जाना है कैरोसेल में, और इस वाले झूले के पास आने के बाद आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोन कर जाना है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से भाई रैंक पुश कर सकते हो, आप लोग को चारों साइड से अच्छे से कवर मिल जाता है, और भाई आप लोग लास्ट जोन में थोड़ी देर के लिए तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर ही सकते हो। सो अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यार ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको इस वाले घर में आ जाना है, ऐसे घर बहुत जगह होते हैं मैप में। अगर मान लो भाई इस घर में आप लोग कैंप कर रहे हो और आपको लगे कि भाई एनिमी आ चुका है, तो आप लोगों को इस खिड़की के पास आना है और कुछ इस तरीके से फिस्ट मारते हुए नीचे आना है। तो आप लोग यहाँ पे अटैक करोगे, जैसे ही एनिमी आएगा उसको आप लोग सरप्राइज अटैक देके बिल्कुल इजीली किल कर दोगे, एनिमी को बिल्कुल पता ही नहीं चलने वाला आप किधर से उसको मार दिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यार ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको इस तरह के सीमेंटेड घर में आ जाना है, बहुत जगह रहते हैं पेन मैप में, और इस घर के अंदर आने के बाद आपको सिंपली लैंडमाइन लगा देना है,
और लैंडमाइन लगाने के बाद आपको जॉयस्टिक को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, आपको सिंपली लैंडमाइन लगाने के बाद उसके ऊपर खड़े रहना है। और आप लोग देखोगे कि आपको यहाँ पे लैंडमाइन से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, तो यार देख ही सकते हो मुझे यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा। मैंने एक और लैंडमाइन लगाया यहाँ पे और भाई मैं उसके ऊपर प्रोन हो जाता हूँ, तो यार देखो यहाँ पे मुझे डैमेज नहीं पड़ा है। सर बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है, आप लोग अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो। और भाई वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं इसके लिए आपको एक बोनस ट्रिक बताता हूँ। तो इस ट्रिक के लिए आपके पास एक नाइफ होना चाहिए और उसके बाद आपको फायर बटन को होल्ड करना है और आपको क्राउच बटन को टैप टैप करना है, तो आपका भाई नाइफ कुछ इस तरीके से फ्लिप होता रहेगा। तो यार देखो मेरा पास फिस्ट का स्किन है, तो किस तरीके से फिस्ट का स्किन इस नाइफ के ऊपर आ चुका है मेरे हाथ से हटके। तो यार ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है यार, छोटा सा बग है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस ट्रिक को। और भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।